यदि किसी आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि की जाती है, क्षेत्रफल को समान रखने के लिए इसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? तो वही चीज़ है जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया। इसमें क्या है, एरिया, एरिया किस पर निर्भर करता है, एल इंटू बी पर निर्भर करता है। अब देखो लंबाई 50% बढ़ गई, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, 2 से 3 हो गई, यानी कि पहले 2 थी अब कितनी हो गई, 3 हो गई। पहले 2 थी अब कितनी हो गई, 3 हो गई। चौड़ाई पहले B1 थी अब कितनी हो गई, B2 हो गई। तो यहाँ पर जो एरिया आएगा कितना आएगा, 2B1 आएगा, यहाँ पर एरिया कितना हो जाएगा, 3B2 आएगा। अब देखो हमें वॉल्यूम एरिया को समान रखना है, तो हमें जो B2 है इसको कम करना होगा। कितना कम करना होगा, 1 कम करना होगा, किस पर, 3 पर × 100। तो ये हो जाएगा कितना भाई, 33 सही, 1/3%। ऑप्शन नहीं है, आप कर लो कोई ऑप्शन, 33 सही, 1/3%।